अरे दूध ले लो, आ जल्दी से। एक तो तुम्हें उधार दूध पे आए, 2 घंटा तुम्हें आबाद दें। 2 घंटे? हाँ, महीने तक तुम दूध पी रही हो हमारा। अब ये बता, हिसाब किताब करने का क्या इरादा है तुम्हारा? दूध देने आयो या मुझसे लड़ने आयो? लड़ने ना आए, 2 घंटे तो तुम्हें आवाज दी है, 2 घंटे तक तुम निकल के ना आओ। 2 घंटे एक आवाज पे निकल के आ गई हूँ मैं। कहाँ से आ गई है? एक आवाज है, 10वीं आवाज दी है जब तुमने एक सुनी है। मुझे तो लगता है 100 झूठे मरे थे और तुम एक पैदा। हाँ हाँ, माल पे आए और फिर तुमसे कुश्ती लड़े, मतलब अपने ही तो हम दूध दे तुम्हें, है ना, उधार दे पिला रहे तुम्हें। करने के लिए आए हो क्या? अरे मूड ना खराब करने आए। बीबी से लड़ाई हो गई है क्या? किसी से लड़ाई ना हुई, पैसा दे पैसा, आज पूरे मिल जाएंगे पैसे। कहीं लेके नहीं भाग रही हूँ मैं तुम्हारे पैसे? अरे लेके तो ना भाग रही, तो दे भी तो ना रहे। दे पैसा, दे पैसा देगी अभी तो बात बनेगी। कब तक प्यार तुम्हें? ये बताओ, 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे? 1-2 दिन में? आज पूरा 1 साल हो गया। अरे तो मिल जाएंगे पैसे, क्यों घबरा रहे हो इतना? अरे घबरा कैसा ना भैया, भैंसियों को निहार जावे और निहार पैसों का आवे। अरे मैं इकट्ठे पैसे दूंगी तो तुम्हारे किसी काम में आएंगे। हाँ इकट्ठे देगी, महीने के पैसे दूंगी। महीने के महीने तुम पे दिए ना जा रहे, तुम गड्डी दे दोगी हमें, तुम ऐसा हमारे पैसा दे दो। ये सरापत से देखो, अच्छी बात है, दूध तो तुम ले जाओ मगर अब हमें पैसा दे दो। अरे मिल जाएंगे पैसे, ये तो तुम हर दिन कह रही हो, रोज कह हो, तुम रोज कहती हो इस बात को, तो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अब तो मिलेंगे कब? ये बताओ, तुम्हारे पति पैसे भेजते, तुम पेंशन की करती क्या हो? करती क्या हूँ? हाँ पेंशन का क्या करो तुम? हमारे ना दो, और हमने तो काम में सुना तुम परचूनी वाले के ना दो, मगर हमें वहां से कोई मतलब ना है। हमने कब दुनिया का ठेको ना ले रखा, कब तुमने काई को किन दिए दे रही हो पैसा और किने ना दे रही हो, मगर हमें अपने आप से मतलब है। हमारे दूध के पैसा चुका दे और नहीं, देखो सुनो अब मेरी बात सुन ले, ठीक है? तुम्हारी तो मैंने सुन ली। ये तुम्हारे फ्रीज, LED, ये एड बेड, कूलर फूलर, ये सब उठा बनवा दूंगा मैं, अगर तुमने कल पैसा ना दे। अब तुमने कल की कही है? हाँ कल की कही है तुमने। कल की नहीं, 2-4 दिन में मिल जाएंगे। अब 2-4 दिन है? अरे तुम्हारी कोई जवान है, तुमने आवाज कही कि मैं कल दे दूंगी, तो मैंने ये कही अगर तुमने कल ना दे, तुम्हारा फ्रिज कूलर और ये बेड फेड सब उठवा लूंगा मैं, हाथ लगा के सब लाद के ले जाऊंगा। हाथ लगा के भी दिखा देना इनसे। क्यों पैसा ना दोगे तो चौ लगाएंगे भैया हाथ? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो जाएगी तो तुम मेरे पैसा नहीं, तुम हमारा नहीं, तुम हमारा पैसा ना दोगी और हम तुम्हारी चीजों ना ले जा सके। देखो मेरे घर के सामान का नाम मत लो, तुम्हारे पैसे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? कल दे देना, आगे मत बोलो। हाँ ना बोल रहा, ठीक है, तुम पैसे मिल जाने चाहिए। हाँ मिल जाएंगे। बस हाँ बताओ, अजीब बात है, अपने भैंस का दूध पे आए और पैसा मांगे तो कुश्ती लड़ो। ले हम तो पानी पी रहे हैं, इन्हें दूध पे आ रहे हैं। आज तो ये दूध वाला कुछ ज्यादा ही बकरा है, लगता है जैसे घर से लड़ाई होके आई है, मुझसे आके लड़ रहा है। क्या करूँ, इस दूध वाले को कैसे सबक सिखाऊं मैं? आइडिया, एक काम करती हूँ, इसमें से आधा दूध निकाल लेती हूँ और आधा पानी मिला देती हूँ। कह दूंगी इस तेरे दूध में मक्खियाँ पड़ी हुई हैं, मैं तेरा दूध नहीं ले रही, ना ही इस दूध के मैं तुझे पैसे दूंगी। ये ठीक रहेगा। अरे आ ना रही, मैं कब से खड़ा हूँ भैया, तू मेरा भाषण दो दूध लेके। दूध? हाँ ये दूध है, देख ले इसको, क्या है इसमें? मैं तो साफ सुथरा लाया, ये तुम साफ सुथरा, 2 मक्खियां पड़ी हुई हैं इस दूध में, ऐसा दूध लूंगी मैं? मैं छान के लाया हूँ, तुम कुछ करके लाई हो या मैं? अच्छा मैं करके लाई हूँ, पागल हूँ मैं? नहीं मैं पागल हूँ, ये पैसा जो देने पैसा के चक्कर में करके लाई हो तुम ये सारे काम? मुझे तो लगता है आज तुम्हारा सुबह से ही मूड खराब है। मेरा मूड खराब है? नहीं मैं पागल हूँ, है ना, मुझे दिख ही नहीं रहा क्या है। मैं तो क्या बताऊँ, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा, मैं तो क्या, मैं तो छान के लाया हूँ, मुझे तो तुम्हारी हरकत लग रही है ये। अरे इस दूध में ये मक्खी पड़े पड़े मर भी गई। हाँ मर गई, वो सही है तुम्हारी बात, मगर मैं मेरे तो समझ में ही ना आ रही कि मैं छान के लाया हूँ, मक्खी आ कहाँ से गई है हमें? जब घर से दिमाग खराब हो जाए ना तो दूध वूध कुछ नहीं दिखता। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, दूध वूध कुछ नहीं दिखता, ये तुम कुछ कमाल दिखा कर आयो, ठीक है कमाल मान ले, ठीक है ठीक है। हाँ पैसे देने का नंबर आ रहा है ना, देखो पैसा ले लेंगे। देखो सुन लो, तुम्हारे ऐसे दूध का 1 पैसा नहीं मिलेगा। देखो ऐसा दूध लूंगी मैं, मेरी बात सुन लो भाभी, रसीली भाभी बात सुन लो,
तुम्हें देना पड़ेंगे पैसा। मैंने जो कह दिया कल कर लूंगा मैं, ये जो हरकत करनी है मैं पैसे ले लूंगा अपने। तुमने कल लेके दिखा देना, लेके दिखा। हाँ, बैसबाजी मत करो मुझसे। देखो रसीली बाजी, मुझसे कुछ कह नहीं रही तो तुम बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। ये बता तो पैसा ना देना तुम्हें। ये मक्खियों का दूध लूंगी मैं। ये मक्खी मैं लाया ही ना हूँ। और कौन ना? नहीं मैंने डाल दी क्या इसमें? बिल्कुल डाली है। अंदर ले जाके मैंने डाली। हाँ, अंदर जाके तुमने डाली है। अच्छा हाँ। मैं तो मक्खी पकड़ लेती हूँ, छान के लाता हूँ। हाँ। दूध को छान के लाता हूँ। ऐसा करूंगी, पड़ी नहीं सकती। मक्खी दीवार पर चिपकी होगी ना, तुमसे कहूंगी ना पकड़ लो पहले। अगर तुमने वो पकड़ ली तो ठीक है। अच्छा हाँ, तो हाथ में आ जाएगी मक्खी। हाथ में पकड़ के आ जाएगी, मैं डाल दूंगी इसको। हाँ, हाँ। दो मिनट में पकड़ के डाल दी मैंने। ये पैंतरे ला रही हो तुम, मैं समझ रहा हूँ रसीली भाभी। तुम अपने इस मक्खी के दूध लेके चले जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। जो तुम्हारे पैसे है वो मिल जाएंगे, चार दिन बाद आ जाना। ठीक है, कल मिलने चाहिए। नहीं समझ लियो तुम्हारा ए सी, देख लेना जो करना हो कर लेना। दूध वाले ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। नमस्ते राम बाबू, आने वाले हो। नमस्ते। हाँ। नमस्ते दूधिया साहब, नमस्ते। हाँ। और कैसे हैं आप? अरे बस ठीक है, बस पूछो मत। बढ़िया हैं। अरे बढ़िया बढ़िया, कहाँ हैं? तुम्हारे जो ये पड़ोसन है ना, क्या नाम है इनका? रसीली भाभी जो है। रसीली भाभी? हाँ। अच्छा। अरे साल भर से दूध पी रही हैं, और आज मैंने पैसा मांगे। कई बार कह चुका हूँ, जब भी कहता हूँ पैसन की कल ले लेना, और बड़े हंस के कर ले लेना, और ज्यादा वो कर रहा है कर। घर से लड़के आ रहे हो? अच्छा। बीवी लड़ रही है? अच्छा। यानी पैसे ना मांगे अपना? पैसा नहीं मांगे ना, उधार। हाँ, हुआ क्या? हुआ क्या आगे बताओ। आगे ये हुआ कि मैं महीने से दूध पिला रहा हूँ, और महीनों के हिसाब से हो गए अभी एक साल पूरी दूध की। अच्छा, सुन लो मेरी बात। और एक महीने के भी पैसे नहीं दिए। अरे एक महीने के भी नहीं दिए भाई साहब। अच्छा। और मैं दफ्तर चला गया। चलो मैंने सोचा चलो यार इस महीने दे देंगे। हाँ, तुमने सोचा होगा। फिर मैंने कहा उस महीने दे देंगे। इस तरह से मैं ये समझ लो महीने, दो महीने, छह महीने, अब आज तक साल खिंच गई। अरे अब मैंने कह दी रसीली भाभी सुन लो मेरी बात। हाँ। अगर मुझे कल पैसा ना मिले तो तुम्हारा कूलर, LED, डबल बेड, फिर घर को जो सामान है सब ले जाऊंगा। तो वहां पे भड़क गई, अरे तुम लड़के आ रहे हो? अच्छा। और लगा तो दे मेरे सामान से हाथ, और मैं देख लूंगी कौन ले जाएगा। और यूं तो यानी हम पैसे ना, तो इसका मतलब ये है, मेरी बात सुन लो पूरी, सुनना, के हम अपना दूध पिलाएं और फिर उसके बाद में दो दो हाथ करें कुश्ती। और ताने सुने? हाँ। और हम पानी पिए। हाँ। हम पानी पी पी के दूध बांट रहे हैं। बता बता, तो हम तो हार गए। हार गए? बहुत चालाक औरत है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सही कह रहे हो। ये समझ लो कि मेरे किराने की दुकान है, तुम्हें तो पता है साहब, तेल, नॉन, मिर्च, मसाले और चावल सब पूरा भरा हुआ है। अरे मैंने कई क्या बात सुनो सुनो सही सुनो सही। अब हुआ ये कि ये समझ लो कम से कम 3 महीने का राशन इनके पास टंगा हुआ है, समझ लो। 3 महीने का राशन ले गई, एक एक महीने में राशन ले गई, और एक महीने का क्या करके फलाने दिन ले लेना, फलाने दिन ले लेना। अब ये समझ लो कि मेरी तो चप्पलें घस गई इनके घर के चक्कर लगाते लगाते। तुम्हारे ना दिए अभी तक? मेरे को एक पेमेंट ना कर। नहीं दिए? अब दे दिए। अच्छा ये बताओ, इसके पति जब पैसे भेजता है रसीली भाभी के, ये पैसा कहाँ खर्च करती है? ये क्या करती है मैं बताऊँ तुम्हें? बात ये है, इनको किसी दूसरे का देने का मन तो करता नहीं है। इनके पति रहते हैं भाव, पैसे भेज देते होंगे, ये उड़ाती है पैसों से रमठल्ले। सुनना मेरी बात, क्योंकि इनको हमारे पैसे देने में तो लगती है सारा। को तो चट्टमली से मानने की चटोरी जीव है इनकी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन लेकिन मैं इनके पास छोड़ूंगा नहीं अपने पैसे। ना तो छोड़ूंगा मैं भी नहीं। छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी इनके पास। बाबूलाल छोड़ूंगा मैं भी नहीं, और अभी इनके पास जा रहा हूँ। इनसे समझ लो कि इतनी बुरी भली कह के आऊंगा मैं। बुरी भली तो कहना ही कहना, अन्य पैसे उगा के ही लाना अपने। हाँ। इन्होंने पूरा दिमाग। हाँ यार, दिमाग खराब सही कर रहे हो। 3 महीना दूधिया साहब, 3 महीने? अरे मैं कैसे अपना राशन भरूंगा अपने इसमें भी, तो भाई दुकान में भी तो कुछ। सही बात है भाई, और क्या, लाखों रुपए का माल आता है। सही बात है, कम से कम कुछ नहीं तो 8,000 रुपए का सामान ले गई 3 महीने में। बेवलो बता, 8,000 रुपए नहीं होते? अरे बहुत होते हैं 8,000 रुपए। मुझसे पूछो, मैं एक साल दूध। अब भैया पोया आजकल भैंस जो 1 लाख की आ रही है भाई, मुझे पता है। और रात अब अलग पड़े उसे खैर डालना। खैर
यार नगद आता है सर। खैर कोई बात नहीं दूधिया साहब, वैसे अब ये है कि मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी कहूंगा, लेकिन तुम्हें कब का समय दिया इन्होंने पैसे देने? मुझे कल की कह दी है। कल फिर जब मैंने कल की कह दी कि ठीक है तुम कल पैसा दे दो, तो फिर क्या बोली दो चार दिन में ले लियो। ये कौन सी बात हो गई भाई, खटिया तू इंटरप्टती है। खटिया घड़ी बिस्तर गोल करूंगा मैं, जा रहा हूँ, चिंता मत कर। परेशान लगते हैं मुझे, लाओ इनकी। अरे कहाँ गए, कोई है क्या घर में? कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? तुम मेरे घर क्यों? अच्छा ए बताओ कि हम तुम्हारे घर क्यों है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। है ऐसा है, मुस्कुरा के मन दिखाया करो मुझे। अच्छा तो बता, प्यार से पूछ रही। मुस्कुरा के मन दिखाया करो कि प्यार से पूछ रही हो और उससे पूछ रही हो। अच्छा गुस्से से पूछूं? गुस्से से पूछूं? नहीं लड़के पूछूं? पैसे दो मुझे, लड़ना नहीं आता। मेरे पैसे दो, मैं क्या कह रहा हूँ, 8,000 रुपए मेरे पैसे दो। 8,000 रुपए? है 8,000 रुपए हो गए? अच्छा 3 महीने राशन नहीं खाया बैठ के तुमने? अरे तो राशन खाया है तो 8,000 रुपए थोड़ी ना हो गए होंगे अभी। अरे 3rd महीने की आखिरी तारीख में आया हूँ मैं, 4th महीना लगने वाला, तुम क्या करके मानोगी? है ठीक है मैं सब जोड़वाऊंगी। क्या 8,000 रुपए का है, कैसे हो गया? मेरे पास हिसाब से हो गया 8,000 रुपए। एक एक लिस्ट रखी है, तुम मेरी दुकान पे चलो, मैं तुम्हें रजिस्टर में दिखाता हूँ कब कब क्या क्या ले गई हो तुम। तुम ज्यादा बेवकूफ मत समझा करो, मैं क्या कह रहा हूँ। तो हो गए होंगे तो क्यों लड़ने आए हो? तुम्हारे पैसे नहीं आएंगे ना? मुझे मेरे पैसे चाहिए आज और अभी, मुझे नहीं पता तुमने ऐसे उस दूधिया के पैसे रोक लिए हैं बेचारा। हैं मतलब तुमने दूधिया से भी मिल लिया? क्यों मिलूंगा, नहीं जानता नहीं है दूधिया मुझे। अरे तो दूधिया के पैसे तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें दूधिया की क्यों चिंता हो रही है? देखो मैं तुम्हें बताऊं एक बार साफ साफ, तुम लो चाहे एक बार सुनो चाहे 10 बार, मुझे पैसे चाहिए अभी, मुझे नहीं पता। अरे अभी अभी मेरे पे पैसे नहीं है, मैं कहां से लेके आऊंगी? कहीं से लेके आओ, मुझे नहीं पता। ये बात मत, ये वाली बात, ये वाली बात। जालिम इंसान हो तुम, जालिम हो चाहे कुछ भी। अच्छा हम जालिम है, हम जाले में, और जो हमारी दुकान में जितनी दुकान खाली है, लेडीज से आके उसके घर पे आके इस तरीके से लड़ रहे हो, तो मैं शर्म नहीं आती? लड़ूंगा, मेरे पैसे हैं, पैसे के लिए लड़ रहा हूँ, अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। कोई बता दे यहाँ मैं मोहल्ले वाला। आप ये बताइए अपने पड़ोस के दुकानों पे से मैं सामान नहीं लूंगी तो क्या दूसरे गाँव में जाऊंगी? पड़ोस के दुकानों पे से लेते हैं मैडम सामान, लेकिन ऐसे नहीं लेते तुम्हारी तरह कि तुमने सामान लिया और फिर उसके बाद में देखी कि फट सो गए, कुछ पता ही नहीं है। अरे तो उधार ले रही हूँ, जब पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए अभी, वरना तुम कुछ लिखित में दो कि मैं जब तक पैसे दे दूंगी तब तो मैं मानूंगा, अन्यथा नहीं मानूंगा मैं। मतलब 8,000 रुपए के लिए मैं लिखित दूंगी तुमको? बिल्कुल देनी पड़ेगी। मुझे लगता है मुझे कहीं जाके मरना पड़ेगा। बिल्कुल मरो। क्या कुआ खाली है? जा फटाफट। मतलब तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? कुछ भी करो, अरे हमारे पैसे तुम खा पचा के बैठी हो। पचा के? अरे मैंने तुम्हारे पैसे देने के लिए मना कर दिया है, सो मैंने पचा लिए तो? अरे मैं मना करती तब होता, तुम मतलब कह सकते थे कि हाँ मैंने पचा लिए पैसे। तुम्हारे पति तो इनकम भेजते ही नहीं है, जैसे तुम तो ऐसी बातें कर रही हो। है तो इनकम भेजते हैं, तुम्हें पता है घर में कितने खर्चे हैं, 100 खर्चे होते हैं घर। देखो मुझे नहीं पता बहन जी, देखो मैं तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूँ तो इज्जत से पेश आओ, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर से कोई भी चीजें मैं उठा के ले जाऊँ अपनी दुकान पे रख लूँ और फिर तुम जक्का लगाओ मेरी दुकान के। मैं नहीं चाहता, मतलब एक बात बताओ, मैं हम बेवकूफ है? तुम हमसे सामान ले गई, हमें अपने पैसों के लिए तुम्हारे घर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। या तो बताओ साफ साफ बताओ कब दोगी, लिखित में दोगी कैसे दोगी बताओ। तुम घर पे मत आना। क्यों नहीं आए? बिल्कुल भी। तो लिखित में बताओ कब दोगी। अरे लिखित की कोई जरूरत नहीं, मेरा जो मेरी जवान है ना वही लिखित है। गाड़ी की जवान है तुम्हारी, बताओ फिर कब दोगी, देर हो रही है मुझे, गिरा खड़े हुए मेरी दुकान पे। तुम 15 दिन रुक लो बस। 15 दिन? 15 दिन मैं मात्र 15 दिन रुक रहा हूँ। 15 दिन से 16वां दिन हो ना जाए, अगर 16वां दिन हुआ तो तुम्हारी आफत आ गई। सुन लो आफत? हाँ। क्या मुझे कुएं में ढकेलोगे जाके? कुआ में नहीं, अगर मुझे मैं मर गई ना हाँ। तुम्हारे 8,000 रुपए भी जाएंगे। कोई बात नहीं, और जो आगे मैं और सामान लेती ना जिंदा रहने पे, कोई बात नहीं, बिल्कुल मतलब नुकसान होगा। तुम्हें तो देना ही नहीं अब सामान, 8,000 आ जाए तुम्हें सामान देना बंद, और मेरी दुकान पर झक बन जाना, सकल मन दिखा देना, दबान करो सकल अपनी। अरे बेड़े बेरहमी आदमी है ये दुकान वाला, इतनी सुना के चला गया, इसका तो मैं इंतजाम करूंगी। ये इनका ये हो गया, इनका इनका ये हो गया, वो हो गया, भला दूर हटी है ना? दूर तो हटे हुए हैं, तुम ऊपर चढ़ी आ रही हो। मैं क्यों ऊपर चढ़ी आ रही हूं? कुछ बोलने से सर से निकल जाओ ना। दिमाग तो ठीक है आपका? मेरा तो ठीक। बदतमीज, ये बताइए क्या बोली? बदतमीज बोली मैं? हाय नमस्ते। क्या नमस्ते? मैंने आपको हाय करा, आप मुझे नमस्ते कह रहे हो? हमारी इस गाँव की संस्कृति में नमस्ते रखा जाता है। चेहरे के हिसाब से चश्मा बहुत छोटा है। बिल्कुल, उन्हें हमारी अम्मा ने खरीदा था ये। वैसे मैं
वो क्या कहते मुझे एक एड्रेस पूछना था। मुझे उनके यहाँ जाना है। कौन? चमकनी के यहाँ। क्या? चमकनी। चमकनी? हाँ हाँ। कौन चमकनी? हमारे यहाँ उसे चमकनी कहते हैं, मुझे लगता है यहाँ उसे रसीली कहते हैं। रसीली? जी। तुम कौन हो रसीली की? मैं उसकी छोटी सिस्टर हूँ। तुम छोटी बहन हो? हाँ। लगती तो हाँ नहीं, वो तुमसे छोटी लगती है। वो एक्चुअली क्या है ना, वो दीदी बड़ी नहीं पाई, इतनी की इतनी रह गई। मुझे तो हंसी आ रही है। बस खैर कोई बात नहीं, तो तुम यहाँ कैसे? अब मैं विदेश से आई हूँ। अच्छा। अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी तो दीदी ने मुझे फोन करके बुलाया कि कुछ दिनों के लिए तू यहाँ आ जा। अच्छा अच्छा। मैं ये चाह भी, और दीदी ने कहा था कि अब तू समझदार हो गई है, तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो हो सकता है कि इस गांव में अगर कोई बढ़िया सा लड़का मिल जाए तो शादी हो जाएगी। बिल्कुल होगी। हमारे साथ होगी। क्या बढ़िया, हमें तुम्हारे साथ? देखो तुम्हारे साथ शादी करने से पहले मैं किसी रेल के नीचे कट के ना मर जाऊं। तुम्हारी सगल पे तो 12 बजे रहते। देखो ऐसी बात नहीं, ऐसी बातें मत करो। मैं भी एक, देखो ये समझ लो कि हमारी एक दुकान है। किसकी? किनारे की। तुमने देखा नहीं परचूनी की दुकान का नाम सुना है? ओ परचून की। हाँ परचून की दुकान। हाँ। तुम्हारे परचून बोलते हैं? परचून। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई? कैसी बातें कर रहे हो, बस वही तो देखने आई थी, मेरे लायक कोई ऐसा सुंदर सा हॉट। अच्छा। एकदम रसीला टाइप का लोंडा मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा, वैसा खैर मुझे तो लगता नहीं इस सड़े से गाँव को देख के। क्या सड़ा सा बोल रही हो तुम? नहीं मेरे कहने का मतलब है इस गांव को देख के तो लगता नहीं है, क्योंकि पहले तुम ही बड़े हो। हाँ। तुम ही ऐसे बुड्ढे से लग रहे हो, ऐसे 50 साल की उम्र लग रही है। ऐसी बात नहीं है, वैसे 50 की तो एज होगी आपकी। 50 की? हाँ। किसने कहा 50 की एज? अरे आपकी होगी। मेरी उम्र है 18 साल। क्या? हाँ उम्र 18 का हूँ मैं। अच्छा। हाँ। 18 साल का हूँ मैं। दिमाग तो ठीक है? देखो तुम लगा रही होंगी अंदाजा मूंछ से, तो मूंछ है हमारी खानदानी, हमारे पिताजी ने शुरू से जब से जन्म हुआ तब से हमारी मूंछे कटवाई नहीं। अच्छा मुझे एक काम करिए। हाँ? अब यहाँ फालतू बकवास तो करिए मत, मुझे उनका घर बताइए, मैं घर भूल गई हूँ। हम तुम्हें लेके चले? चलो आ जाओ। नहीं मेरा मतलब आ जाओ। चलो तो मेरे पीछे आओ, मैं आगे चलूंगी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझसे आगे चले। बड़ी खतरनाक है ये तो। हम तो बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है हमने पहचाना नहीं आप इस गांव में कर नहीं। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी? जी। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है? उम्र ही क्या मतलब? तो फिर कितनी उम्र है तुम्हारी? अरे मैं तो इससे भी छोटा हूँ। नहीं नहीं 18 का, मैं 16 का हूँ। 16? तुमसे भी छोटा हूँ, हो सकता है कि एक आध साल और भी कम हो, 15 का ही हूँ। ओह माय गॉड। तुम अभी तो नहीं पैदा हुए थे कल परसों? मुझे ऐसा ही लग रहा है। मेरा मतलब था कि ये कहीं छोटे मोटे। उससे भी छोटे हो? हाँ। तो इस हिसाब से तो फिर तुम कितनी साल की हो? मैं 7 तुम्हारी माता जी ने भी गलत बताया। तो तुम्हारे हिसाब से कितने की हूँ बताइए? कम से कम तुम 35-36 की तो है तुम्हारी। तो तुम्हारी 16 साल की उम्र लग रही है चाचा? पूरे गांव में पूछ लो। चाचा ही मत कहियो। और इसकी 18 साल की मत कहियो। फिर क्यों? ना चाचा ने कहा और क्या, कुत्ता हो गई तू? नहीं ताऊ। छी 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 छी, क्या बके जा रही है रे? आपका नाम बताओ, मैं नाम बोलूं? अच्छा ये बता तेरी शादी-वादी हो गई? ये जो प्रॉब्लम है, मैं विदेश से पढ़ाई करके आई हूँ दीदी के यहाँ इस गांव में आई हूँ कि मुझे कोई ऐसा लड़का मिले जो मेरा हाथ थाम सके। मुझसे अच्छा ए झूठा कर दिया, दूर हटा। झूठा कर दिया। एक बात बताओ, जब हमारी बात पहले चल रही है तुमने भटे मटांग क्यों उड़ाई? ये गांव मेरा है। निकल यहाँ से। गांव मेरा है। बिल्कुल है। मैं बात कर सकता हूँ। सुनो मैं तो तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया दूध बिल्कुल भैंस का गरम गरम। अच्छा। अरे ताजा ताजा पिलाऊंगा अगर मेरा हाथ मांग। निकल ले। मुझे इरिटेशन हो रहा है। चलिए क्या हो रहा है? इरिटेशन क्या? अरे मुझे बेचैनी हो रही है। बेचैनी? हाँ। क्या इससे? चल निकल गांव में से निकल।
तुमसे हो रही है दुनिया कर लेगा चला चला मेरे साथ खोपड़ी खराब कर ली साथ झूठ बोल रही हो क्या झूठ बोल रही है झूठ बोल रही हूँ नहीं मैं मतलब झूठ ही बोल रही होंगी क्योंकि वो बुड्ढा जो पूछ रहा था तुमसे अरे तो साथ क्यों तो साथ क्यों नहीं हो कैसे साथ की तो लगनी नहीं हो तो अच्छा जब मैं साथ की नहीं हूँ तो वो सोलह का है और तुम अठारह के हो नहीं मैं तो अठारह का हूँ ना तो वो सोलह का है नहीं वो नहीं वो ऐसा लग रहा है अस्सी साल का अस्सी साल में उम्र पहुँचने वाली है उसकी बुड्ढे की कवर में पैर लटके हुए कब भीतर को कोई खींच ले सही बात तुम भी मुझे पैंतालीस चालीस से कम नहीं लग रहे हो ना 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 करके ऐसी बात नहीं वो वाली बड़े बूढ़ों की कहावत तो आपने सुनी होगी ना कैसे अब वो ये ना बैल ब्याएगा नहीं तो बूढ़ा नहीं होगा बैल ब्याएगा नहीं तो बूढ़ा नहीं होगा नहीं ये तो बात है खैर हम तो ब्याह नहीं अभी पर बूढ़े अभी हुए नहीं है अरे तो तुम कहाँ से ब्याह जाओगे पागल हो क्या मेरा मतलब शादी कहाँ हुई हमारी सच्ची में यहाँ एकदम गंवार लोग है क्या? अब मुझे ले चलो दीदी के पास बिल्कुल ले चलेंगे आइए नहीं मेरा मतलब आइए 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 अरे राम ताला लग रहा है तुम्हारी दीदी घर में ओह माय गॉड बताओ अब मैं इतनी दूर से आई हूँ मैं पूरे में देख लो कितने घंटे हुए मुझे घूमते घूमते ओ हाँ तुम्हारी दीदी घेर में होंगी यहाँ नहीं है घेर पे अच्छा इतना सारा गोबर रहता है गोबर और गैया करते हैं गोबर चलो चलो ठीक है वैसे भी तुम्हारी गोबर जैसी शक्ल है क्या कितनी गर्मी है आइए वो तो नहीं काम कर रही अरे क्या नाम है उनका रसीली भाभी क्या है दीदी अरे मुझे गले लगा लो दीदी इतनी सुंदर लग रही है तू ओ माय गॉड दीदी बस ऐसे ही लग रही हूँ मैं तो तुझे देख के हैरान हो गई हूँ सच्ची दीदी सच्ची और आप कितनी प्यारी आए हैं जिम वगैरह जाती हो क्या अरे नहीं कहीं नहीं जाती मैं फिर इतनी स्लिम कैसे हो मुझे देखो खा के एकदम हतनी हो गई है मैं इतना खाती नहीं हूँ ना तेरे बराबर बदतमीज यू इडियट क्या बोला मेरी बहन से क्या बोला मेरी बहन से मैं कुछ नहीं बोला एक थप्पड़ लगाऊंगी ना खींच के अरे माफ करिए मोहतरमा माफ करिए नहीं मोहतरमा ये मोहतरमा मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करूंगा ये आई इन्होंने पता पूछा और मैं सच्ची बताऊं यहाँ के लोग बड़े बदतमीज है क्या बोला इसने बोला नहीं तो न जाने क्या क्या दिखाया क्या दिखाया बता मुझे वो दिखाया ट्रैक्टर ट्रैक्टर हाँ ट्रैक्टर दिखाया गलत बात तो नहीं दिखाई और क्या ऊंट दिखाया ऊंट हाँ और बहुत सारी भैंसें दिखाई ट्रैक्टर भैंस क्यों दिखाई मेरे बहन को ट्रक भी दिखाया ट्रक आया था नहीं ये पता है क्या कह रहे थे हाँ कि तुम मुझसे शादी कर लो क्या तेरी ये हिम्मत कि मेरी बहन से ये कहेगी तो शादी चुप चुप पड़े बताओ अभी हैं कल तक अगर पैसे नहीं आए तो ये सब उठा ले जाओ ये भैंस बड्डा बकरिया सब पक बन रही है अगर मेरी बहन नहीं पटी तो मेरी भैंस ले जाए वो फ्रिज ले जाएगा उठा के है ना हैं तुम्हारी बहन तो बहुत सुंदर है खूबसूरत है भाई हाँ तभी तो गंदी नीयत डाल रहा है मेरी बहन पे चुप हाँ बताओ खुद छोटी बहन लगती है मुझे पता है तुम बड़ी बड़ी लगती हो नहीं दीदी बड़ी है खाने पीने का सही दीदी है ऐसा नहीं पत्र पूछे की तरह हाँ। क्या खिला दिया फिर तुम्हारे पिताजी ने दीदी है कौन राम बाबू परचुनी वाले किनारे से पहले ही बोल देता है परचुनी राम बाबू परचून की दुकान हाँ इनकी परचुन की दुकान है मैं इनकी दुकान से सामान लेती हूँ ये वही परचुन वाली अच्छा बन गया काम क्या होंगे क्या नहीं नहीं आप तो परचूनी की दुकान है पैसा भी अच्छा खासा ही होगा बोरिया में भरा रखा है कोई खाने वाला पैदा नहीं उसे शादी नहीं हुई अजी तो कमी है क्या करें क्यों नहीं हुई शादी करवा दो बहन से अगर बहन राजी होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरी एक शर्त है क्या अभी नहीं करूंगी शादी अरे छोटी क्या शर्त है तुम्हारी दीदी मैं अभी इससे शादी नहीं करना चाहती और हाँ दीदी मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाओ ना प्लीज चलिए अंदर कोल्ड ड्रिंक बुलवा दो आइए दीदी दुकान में रखी हुई है चिंता मत करो शादी तो तुमसे ही होगी मेरी अब तुम्हारे पसंद कर लिया अरे दूध ले जाओ दूध ले लो आती हूँ
इतना मत चिल्लाया करो, नहीं तो तुम्हारा गला दुखने लग जाएगा। अरे रसीली भाभी, हम तो पहले से दिल भी दुख रहा है हमारा, तो हमारा पैसा फैसे कब देगी? पैसे? हाँ। अरे पैसे की टेंशन क्यों करते हो लाला जी? कितने प्यार से कहती है पैसे की टेंशन क्यों करती हो लाला जी। तो ये बताओ, अगर मैं टेंशन ना करूं तो मेरा क्या हाल होगा, मेरी भैंसों का क्या हाल होगा? मुझे पैसे दे अब। लाला जी कोई कुछ हाल नहीं होगा तुम्हारा। ना पैसे नहीं है, मैं कुछ ना मानूंगा। अरे हाँ छोटी, वो मैं ये कह रही थी, ये दूध वाले हैं लाला जी। नमस्ते नमस्ते लाला जी। वो सब प्यार से लाला जी बोलते हैं। ये किस चीज के पैसे मांग रहे थे, मैं अभी सुन रही थी छोटी। अरे अरे पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, पैसों की चिंता मत करो तुम। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तुम पैसे की चिंता मत करो। अच्छा अच्छा, अच्छा तो फिर मुझे दूध दे दो। हाँ दूध ले, तुम दूध खिलाइए, अब आराम से आ जाओ। आप बताओ हमारे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे बारे में तो पूरा ही ख्याल है। पक्की बात है? लेकिन एक शर्त है मेरी। हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मैं शादी तो तुमसे कर लूंगी। अच्छा, लेकिन मेरी पांच छह शर्त है। पांच छह शर्त है? अरे मैं सात मान लो। अरे नहीं नहीं, मैं तो सात आठ भी मान लूंगा। पहला नंबर है, मुझे कम से कम 2 लाख रुपए कैश चाहिए, ताकि मैं अपनी शादी में लहंगा वहंगा खरीद सकूँ, गहने खरीद सकूँ। अरे मैं तुम्हें 2 नहीं 2.25 लाख दूंगा। ठीक है। हाँ ठीक है, दूसरी बताओ। और फिर दूसरी बात, हाँ मेरी जो दीदी का ये कर्जा है ना, ये माफ करना होगा। अरे जब तुम मेरी रिश्तेदारी जुड़ जाएगी। अरे रिश्तेदारी नहीं, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे तो फिर क्या मियां बीवी बन जाएंगे, तो उनसे पैसे कैसे मांग लेंगे हम? एक बात बताऊं, वो राम बाबू है ना परचून की दुकान वाला, वो मेरे लिए दिल जान से पूरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार है। वो ये कह रहा है तुम्हारे जहाँ 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 तुम्हारे कदम पड़ेंगे मामा मैं पैसे बिछा दूंगा। अरे तुम चिंता मत करो, ये समझ लो वो मुझसे ज्यादा पैसे वाला ना गाँव में। मेरे बारे में पूछना तुम, मेरे घेर पड़े हैं मेरे, और सुनो खेत खलियान पड़े हैं, और शहर में भी कारोबार है मेरा। हाँ, हाँ। चिया, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब जो मेरा पति होगा वो सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा। अरे इस गांव में नाम है मेरा। अच्छा, लेकिन एक उसकी तो एक परचूने की छोटी सी दुकान है। हाँ? और मेरे आगे क्या हैसियत है उसकी? दो पैसे। अरे मेरे आगे तो चीटी है, ये समझ लो तुम। वैसे मैं ये कह रही हूँ, मेरी दीदी को पता ना लगना चाहिए। ना दीदी को पता नहीं चलेगा, मैं सुनिए सुनिए ना, एक तो तुम झाड़ शुरू हो जाते हो, बंदी नहीं होते हो। ठीक है, मैं नहीं कर रही शादी। अरे 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 नारा, सुनो मेरे, सुना सुना, दीदी को पता नहीं चलनी चाहिए, चुपचाप मंदिर में जाएंगे और शादी कर लेंगे। ठीक है, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और मैं आपके घर दुल्हन बन के आ जाऊंगी। अच्छा ये बताइए, लहंगा कैसे कलर का लाऊं? लाल। आए हाय, ज्वेलरी? ज्वेलरी गोल्ड। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ 2-3 लाख रुपए मुझे कैश दे दो। हाँ मैं दे दूंगा। ठीक है ना। हाँ। तो मैं जाके चुपचाप शॉपिंग करके आऊंगी और पहन के मैं तुम्हारा मंदिर में इंतजार करूंगी, सिर्फ माला लेके। ठीक है ठीक है। और हाँ, ये आप भी शेरवानी बनवाना अच्छी वाली। अरे मैं तो बहुत अच्छी वाली शेरवानी बनवाऊंगा। ठीक है ना, चिंता मत करो। साड़ी जो लोगी, साड़ी जो लोगी जी, वो कहाँ से लोगी? कहाँ से? साड़ी सुहाग के यहाँ से। साड़ी सुहाग? हाय हाय, उससे कोई रिश्तेदारी है क्या तुम्हारी? ना फिर। अरे उसके यहाँ नंबर 1 की साड़ी होती है। ओए होए, उसकी साड़ियों का रंग कच्चे नहीं निकलते। अच्छा। हाँ दीदी कहाँ रह गई? जाने कहाँ रह गई दीदी, अभी तक ले गई। हाँ छोटी आती है क्या? तो पक्का बात करो। हाँ बात पक्का। अरे जो लाला जी। हाँ ले लिया। अब ऐसा है, तुम परेशान मत, चिंता मत करो, पैसे आराम से दे देना। ठीक है। अच्छा। हाँ अरे रसीली भाभी, अच्छी बात है तुम्हारे। अरे तो हम ये बताओ, तुम्हारे दुख दर्द में काम ना आएंगे तो कौन आएगा? अच्छा कल से 1 लीटर दूध और बढ़ा देना तो फिर। अरे ठीक है ठीक है, क्योंकि मुझे दूध बहुत पसंद है। अरे छुट्टी आ गई है ना, इसके लिए दूध चाहिए। ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं 2.25 किलो बल्कि ये समझ लो 1.25 किलो दूध बढ़ा दूंगा। ठीक है, बाय 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 बाय। छोटी क्या जादू चला दिया? मुर्गे को मैंने हलाल कर दिया। सच में? सच में। आ गया कब्जे में? कब्जे में नहीं, कब्जे में तो वो उसी दिन आ गया था जिस दिन मैं आई थी घर पे। हाँ, पहले दिन ही जब मुझे रास्ते में मिला था। अच्छा। तो इसका मतलब चक्कर चलाया? चक्कर भी चल गया, और आप देख लेना कोई तो तुमसे पैसे के लिए नहीं कहेगा। हाँ? लेकिन मैंने एक चीज और कह दी है, मैंने ये कह दिया दीदी से मत बताना हम शादी करेंगे। और तुम भी इसको ये जाहिर मत होने देना कि
मैं शादी हमारा कुछ ऐसी बात है। अरे छोटी तू मुझे पागल समझती है क्या? ठीक है नहीं, अच्छा अब चले अंदर। चलो अब तो मुझे इस गांव से निकलना ही पड़ेगा। हाँ? भाई साहब हटिए। भाई साहब, भाई साहब नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही। रो क्यों रही हो? क्या बात हुई? अरे रे रे रे, रोते नहीं है, रोते नहीं है, क्या बात हो गई? मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब से मैं इस गांव में आई हूँ कोई मुझसे प्यार से नहीं बोलता। हम बोलेंगे? दीदी भी मुझसे ऐसे गुस्से से बात कर रही है। चिंता मत करो, हम बोलेंगे। क्या बात हो गई? हमें पूरी राम कथा सुनाओ, क्या बात हुई? बात ये है कि दीदी कह रही है कि दूधिया से शादी कर ले। दूधिया शादी कर ले? हाँ। तुम्हारी दीदी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और मुझे आप पसंद हो। मैं पसंद हूँ ना? वही, वो क्या नाम है उसका, राम बाबू परचूनी वाला पसंद है। राम बाबू हमें? अच्छा, हमें राम बाबू निगाहदार करो इसीलिए। और पता है वो कहती है कि उसमें बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे गाय भैंस है, उस पे इससे शादी कर ले। किस पे? वो दूधिया। दूधिया बहुत पैसा है ना उसपे। झिंगा एक बात बताओ, तो दो भैंसे हैं और दूध भी समझ लो कभी कभी लेके आता है। जो दूध में 1 किलो दूध होगा तो ये समझ लो 2-4 मग्गा उसमें पानी, और पानी मिल जाएगा तो तुम्हें पता है कैसे दूध। इससे अच्छा तो ये कि मैं इस गांव से चली जाऊं। दीदी पता क्या कह रही है? क्या कह रही? दूधिया 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। अगर तुम्हारी दीदी ऐसा बोल रही है कि 2 लाख रुपए दे रहा है तो 4 लाख रुपए हम देंगे तुम्हें। और बताओ बताओ, हमारे पास पैसों की खेती। इधर आओ, इधर टिको यहाँ पे। हाँ ये बात ये हुई। अच्छा? हाँ, तो ये है, अब ये है कि 4 लाख हम देंगे तुम्हें। जब 4 लाख हम तुम्हें देंगे समझ लो बात बन गई। एक काम करिए। हाँ? चलिए मेरे घर। मैं नहीं आऊंगा। सुनो तो सही, सुना। 4 लाख रुपए दे दो और मंदिर में हम कल शादी करेंगे। मैं तुम्हें दूंगा 4 लाख रुपए कल। है, चिंता मत करो। ठीक है, और बताओ। तो एक काम करती हूँ, मैं जा रही हूँ घर। तो एक काम करो, मैं जा रही हूँ घर पे। ठीक, तुम एक काम करना, मुझे पैसे दे देना। ठीक है, मैं वो पैसे घर दे दूंगी। चिंता मत करो। और मंदिर में शादी। बिल्कुल, तू मेरा है, मैं तेरी। क्या बात है, दुनिया से क्या ले। देखो ये डांस इतना बदतमीज वाला करोगे? बढ़िया करूंगा, सीखूंगा मैं। ठीक है, चिंता मत करो। अच्छा मैं चलती हूँ, पैसों का इंतजाम रखना। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। अरे कोई है? अरे आ गए तो? आप आ गए? हाँ मैं आ गया। दीदी नहीं है घर पे? दीदी नहीं है, बाजार गई है। अच्छा हाँ। और सुनो, मैं पैसे ले आया हूँ, लाओ तो दे दो जल्दी। संभाल कर लो। अब एक काम करूंगी। हाँ? मैं आज चुपके से मार्केट जाके सारा सामान ले आऊंगी। अच्छा। तुम कल मुझे मिल जाना मंदिर में। ठीक है, बात है, पक्की बात है। दे ताली। ठीक है, ताली। अरे बल्ले बल्ले बल्ले, निकल लो तो। अरे राम बाबू, राम राम। राम 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 राम, कहाँ से आ रहे हो? अरे बस पूछा मत, बहुत जरूरी काम है। हाँ? हाँ? जरूरी? हाँ? ऐसा क्या जरूरी काम आया दूधिया? अरे कल शादी करनी है। शादी? हाँ? तुम्हारी? अरे कोई हसेगा और बुड्ढे कर रहे हो? किसी की भी शादी है? शादी है बस कल। मतलब किससे कर रहे हो शादी? मतलब हमें नहीं बताओगे? ना हमें नहीं बताओगे? ना बता दो ना। देखो ऐसा है, जब हम उस बात को, उस जो जिससे तुम शादी कर रहे हो उनका नाम हमें बता दोगे तो हम इस बात पर गौर देंगे। हम ये बता देंगे कि तुम्हारी शादी बिल्कुल फली फूली है या निष्फल है। अरे फली फूली है। फली फूली और क्या है? अच्छा, और क्या? ठहरा ली किस लड़की? तुम्हारा क्या बताओ ना भैया, बताऊंगा ना। मिलवाओगे भी नाम? ना अभी ना मिलवाऊंगा, बाद में मिलवाऊंगा। बाद में मिलवाऊंगा? हाँ पहले कर लूँ। वैसे एक बात बताऊँ, शादी तो हमारी भी कर ले। कल तुम्हारी भी है? हमारी भी शादी है। अच्छे हाँ। इससे है रही? अब जब तुमने नहीं बताया तो लपक के अमरूद क्यों पकड़ रहे हो तुम? हैं? अरे बताता दे, बता दे, ए बता दे, अरे नहीं, ए बाबूलाल बता दे, ए दामाद में तो बुलाओगे ना। कहाँ गई हमारी महबूबा? ये रही तुम्हारी महबूबा। बस एक बात बताऊ, तुमने हमारा दिल चुरा लिया। किसने? तुमने। वैसे ही सही में। अब देखो, हम जो तुम्हारे लिए जो तुमने हमसे शर्त जो रखी थी दूधिया वाली की, वो लेके आ रहा 2 लाख रुपए, हम तुम्हारे लिए 4 लाख रुपए लेके आए। ये पकड़ो। झूठे कर दिए, मैंने ले लिया। झूठे नहीं, साफ है। हाँ ये हुई बात। ये तो पुराने जमाने वाली टेक्निक हम जा रही हूँ। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं इन सारे पैसों से ना शॉपिंग करके आऊंगी। शॉपिंग? शॉपिंग नहीं, शॉपिंग। अच्छा अच्छा, शॉपिंग।
क्या? मैं जब शादी हो जाएगी ना मैं तुम्हें इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। पक्की बात है? हाँ, और मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी एक घंटा। और डांस भी? हाँ, डांस भी सीखना। डांस आता नहीं है मुझे। तुम कौन से माइकल जैक्सन के यहाँ कॉम्पिटिशन लड़ने जाओगे डांस सीख के? देखो तुम ना किराने की दुकान में ही अच्छे लगते हो। ठीक है, तुम बस वो करना, मैं घर में डांस करूंगी और खाना बना बना के दूंगी आपको। हाँ, ये बात आए। और कपड़े धोऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? बिल्कुल। बच्चे तो करने नहीं है, है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है बच्चे भी करेंगे। बच्चे भी? हम दो और हमारे दो। हाँ, हम दो, हमारे चार है? तेरा मतलब कुछ नहीं तो ठीक है। अब थोड़ा अपने आप को देख के बात करा करो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय, जाओ। दीदी नहीं है, मुझे शॉपिंग करने जाना है। वैसे कुछ भी नहीं, बहुत नॉटी है। कल शादी की तैयारी करनी है, और ये जो बोला था दूधिया, इससे अच्छी ही तैयारी करूंगा। बड़ी एकदम सजावट कर करा के सामान वामान सब सेट करूंगा। अरे रसीली भाभी, लाला जी। हाँ, दूध लिया है? हाँ, दूध लिया है। तो बड़े टाइम से आ गए। हाँ, क्या हुआ, किसको देख रहे हो? वो कहाँ है तुम्हारी बहन? बहन? हाँ, अपने घर गई। तो अपने घर? हाँ, घर क्या कह रही हो? बहन तुम्हारी? अरे अपने ससुराल गई वो। ससुराल? हाँ, शादीशुदा थी। हाँ, शादीशुदा थी, तीन बच्चे भी है उसके। ए? तीन बच्चे भी है? लालाजी एक बात बताओ, तुम बच्चों की सुन के, शादीशुदा की सुन के तुम इतने चौंक क्यों रहे हो? चौंक तो नहीं हो रहे हैं। हमने कल तुम्हारी बहन को 2,00,000 रुपए दिए। 2,00,000 रुपए? हाँ, या करी मेरी बहन को? हाँ, लेकिन क्यों? इसलिए कि शादी करेगी वो। शादी? हाँ, मुझसे शादी करने ही कह रही। तुमसे शादी करने के कह रही थी? मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे हो? अरे इल्जाम? इल्जाम तो इस दिल पे लगा है। दिल 2,00,000 गए, 2,00,000 दिए कल। 2,00,000 वाले बुढ़े आदमी, तुम मेरी बहन से शादी करेगा? बुढ़ा तो मत कहो, पैसे भी दे दो, तुम बुढ़ा कह के दिल मत तोड़ो हमारा। बिल्कुल ऐसा ये ड्रामा करने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ से निकल लो। पैसे? पैसे? 2,00,000 के पैसे? 2,00,000 रुपए चाहिए। किससे पूछ के दिए थे? किससे पूछ के दिए थे? पूछ के तो नहीं दिए। तो बिना पूछे क्यों कह रहे हो आप? तो बिना पूछे? निकलो यहाँ से। बिना पूछे देंगे तो पैसे मारे जाएंगे, और हमारा हिसाब भी तो है तुम्हारी तरफ। हिसाब? हाँ। उस दिन क्या कहा था कि आप कोई पैसे मत देना? रसीली भाभी जी, कोई पैसे मत देना, तुम्हारे मेरे सारे पैसे माफ कर दिए। तो कुछ जवान भी है या फिर? अरे जवान क्या करेगी, यहाँ तो दिल गया है, दौड़ा पड़ रहा है। दिल गया तो निकल लो यहाँ से, कहीं यहाँ चल बसे, चल बसो, निकल लो, निकल लो। पैसे भी चले गए मेरा तो भैया, दूध के पेमेंट भी चला गया। आया या शादी करने के लिए? अरे भाभी रसीली, रसीली भाभी, भाभी रसीली, लगता भाभी रसीली, ज्यादा ही जोश आ रहा है तुम्हें। जोश तो आएगा, ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। बिल्कुल कम नहीं होगा ये? कम नहीं होगा? बिल्कुल। अधेड़ उम्र के आदमी क्या तो रोमांटिक सूझ रहा है? चुप करो। चुप करो? क्या चुप करो, क्यों चिल्ला रहे इतनी तेज? ये बताओ हमारी वो कहाँ है तुम्हारी बहन? अरे तुम्हारी बहन कहाँ है? क्यों क्या करोगे मेरी बहन का? अरे उनने आज मुझे प्रस्ताव दिया था कि आज वो मुझसे शादी करेंगी। शादी? हाँ? और तुमसे? मुझसे? मुझे तो लगता है, दिखा ना इधर। क्या दिखाओ? से जुए वुए तो नहीं पड़ गए सर में तुम्हारे? चुप। मुझे ऐसे ही लग रहा, जुए पड़ जाते हैं ना तो दिमाग पागल हो जाता है। तुम्हारी बहन ने मुझसे कहा था कि वो आज मुझसे शादी करेंगी, और मैंने एक दिन पहले उन्हें 4,00,000 रुपए दिए हैं। 4,00,000 रुपए दिए हैं मेरी बहन को? है? ऐसा है, तुम निकल लो यहाँ से। क्या? हाँ, मुझे लगता है तुम और ज्यादा पागल हो जाओ। ज्यादा वो मत करो, निकल लो यहाँ से। क्या? हाँ, निकल लो, निकल लो। चुप करो पागल आदमी। मेरी बहन एक शादीशुदा है, तीन बच्चे हैं उस पे। शादीशुदा? तुमसे वो शादी की क्यों कहेगी? हाँ, मुझे अटैक आ रहा। और वो अपने ससुराल गई। अरे वो एक आध दिन के लिए रहने के लिए आई थी मेरे पास, गई अब वो। और क्या? अब यार मैंने तो 4,00,000 रुपए ले गई तुम्हारी बहन। 4,00,000 रुपए? मैं जोड़ूंगा ऐसा है। देखो अब, देखो मेरी लड़ाई हो जाएगी तुमसे। मुझसे लड़ाई होगी? मुझसे लड़ाई क्यों होगी, क्यों होगी? 4,00,000 रुपए मुझे दिए थे, मुझे पूछ के दिए थे। अरे मेरे दिमाग में पत्थर पड़ गए, मैं कह तो रहा हूँ। मुझसे पूछा होता तो मैं जिम्मेदार थी। तो ऐसा है, तुमने मेरा पुराना हिसाब भी नहीं किया, पुराना हिसाब भी करो। पुराना हिसाब? तुमने उस दिन क्या कहा था कि भाभी जी कोई एक पैसा मत देना, रसीली भाभी जी बिल्कुल भी मत देना, कोई जरूरत नहीं है एक पैसा देने की। हाँ? अरे मेरे उस समय पत्थर पड़ चुके हैं मेरे दिमाग में, मुझे नहीं पता था मैं क्या करना।
यहाँ से, या तो राजी से निकल लो, नहीं तो अभी एफआईआर करने जा रही हूँ मैं। मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। फंस जाओ लोग आइयो के चक्कर में, बर्बाद हो गया और दे दे 4 लाख रुपए।